बहुत ही रोचक और हर बार एक नया अनुभव देने वाला अभ्यास त्राटक। त्राटक का अर्थ होता है किसी भी एक वस्तु विशेष को लगातार देखते रहना, टकटकी लगाकर पूरी ध्यान ऊर्जा को किसी भी एक बिंदु पे या केंद्र पे केंद्रित कर देना। त्राटक का अभ्यास विशेष रूप से 3 विधियों से किया जाता है। पहली विधि, मोमबत्ती या दिया प्रज्वलित करके उसकी लौ के ऊपर निगाहों को केंद्रित करना। दूसरा, किसी एक सफ़ेद दीवार के ऊपर या सफ़ेद कागज़ के ऊपर काले रंग का एक बिंदु लगाकर उसके ऊपर निगाहों को केंद्रित करना। और तीसरा, किसी भी एक स्थान पर या किसी भी एक वस्तु विशेष पर, जो भी आपको पसंद हो, उसके ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करना। तो यह 3 प्रकार से इसका अभ्यास किया जाता है। अब चर्चा करते हैं अभ्यास कैसे करें, शारीरिक अवस्था और जिसका त्राटक किया जा रहा है उसकी अवस्था क्या होनी चाहिए। तो इसके अभ्यास के लिए किसी एक आरामदायक आसन में बैठ जाएं। सुख आसन, वज्र आसन, सिद्ध आसन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन, कोई भी एक बैठने वाला आरामदायक आसन। किसी कारण से ज़मीन पे ना बैठ पाए तो कुर्सी पर बैठा जा सकता है, परंतु अंतिम विकल्प के रूप में कुर्सी को चयन करें। पीठ गर्दन बिल्कुल स्थिर हो, बिल्कुल सीधी हो, और किसी एक ऐसे आसन का ही या ऐसी स्थिति का चयन करना है, ऊपर बैठें या नीचे, कहीं पर भी बैठें, एक ऐसी स्थिति या आसन का चयन करें जिसमें शरीर कुछ समय 5, 10, 15 मिनट तक हिलने की बिल्कुल भी चेष्टा ना करें। शरीर किसी मूर्ति की भांति बिल्कुल स्थिर हो जाए, पीठ गर्दन बिल्कुल सीधी रहे, हाथ घुटनों के ऊपर सीधे ऊपर की ओर खुले रखेंगे, या किसी विशेष मुद्रा में रख सकते हैं, ज्ञान मुद्रा में या अंजलि मुद्रा में भी रखा जा सकता है। जिस वस्तु का त्राटक किया जा रहा है उससे आपके शरीर की दूरी लगभग 1 से 1.5 फीट की होनी चाहिए, अर्थ आपकी आँखों से 1 से 1.5 फीट की दूरी पर आपका त्राटक केंद्र होना चाहिए। और उसकी जो ऊंचाई हो, ज़मीन पर बैठें तो उसके अनुसार, कुर्सी पर बैठें तो उसके अनुसार, कहीं पर भी आपकी निगाहों के बिल्कुल सामने हो, जिससे आपकी गर्दन और पीठ सीधी रह सके, आपकी आँखों से निगाहों से नीचे अथवा ऊपर ना हो, बिल्कुल सीध में हो, जिससे शरीर को क्षति और कष्ट ना हो और बिल्कुल सीध में हो। यह आपकी अवस्था और आपके त्राटक की अवस्था होनी चाहिए। अब अभ्यास करते समय कुछ विशेष बातें या कुछ प्रश्न। इसका अभ्यास किसी भी समय किया जा सकता है, परंतु सुबह के समय करें तो ज़्यादा लाभकारी है। जिन लोगों को अनिद्रा की समस्या है, नींद न आने की समस्या, या बहुत विचार, सोने से पहले करवटें बदलते रहते हैं या नींद नहीं आती, उनको इसका अभ्यास रात को सोने से पहले करना है। और यदि क्रम के अनुसार इसका अभ्यास करना चाहें, योग अभ्यास जैसे कर रहे हैं उसके बीच में अभ्यास करना चाहें, आसन और प्राणायाम के बाद त्राटक और मंत्र उच्चारण या ध्यान के अभ्यास से पहले, त्राटक, आसन और प्राणायाम के बाद मंत्र उच्चारण, ओम का उच्चारण और ध्यान के अभ्यास से पहले किया जाता है, यदि इस प्रकार क्रम के अनुसार देखें तो। अन्यथा केवल त्राटक का अभ्यास करना चाहें तो सुबह के समय सामान्य व्यक्ति कर सकता है। अनिद्रा की समस्या, बहुत विचार आने की समस्या में रात सोने से पहले इसका अभ्यास करके सोएं। जो लोग मोमबत्ती या दिए से इसका अभ्यास करें, जिस प्रकार 3 विधियां बताई गई हैं, पहली विधि से अभ्यास करें मोमबत्ती या दिया जलाकर, उस समय 1-2 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। एक तो
कमरे के अंदर पूरी तरह से अंधेरा हो। जिस प्रकार पूरा अंधेरा, बिल्कुल भी रोशनी ना आए, एक सुई की नोक के बराबर भी प्रकाश कहीं से ना आता हो, उस समय दीप या मोमबत्ती प्रज्वलित करें। और दूसरी बात, मोमबत्ती और दिए से जब अभ्यास करें तो वहाँ पर वायु बिल्कुल भी चलती ना हो, क्योंकि यदि वायु चलती होगी, हवा का आना जाना होगा, तो आपकी लौ जो केंद्र है वो भटकेगा या हिलेगा, लौ हिलेगी जैसे ही हवा का झोंका उसको स्पर्श करेगा। तो बिल्कुल भी आपके कमरे के अंदर जिस कक्ष में अभ्यास करें अंधेरा हो और हवा बिल्कुल भी ना आती हो। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात जो मैं जोड़ना चाहता हूँ वो ये कि जो मोमबत्ती और दिए से अभ्यास करें तो प्रयास करें मोमबत्ती का इस्तेमाल ना करें, मोमबत्ती की जगह दिए का इस्तेमाल करें। कई ग्रंथों में भी ऐसा निर्देश है कि मोमबत्ती का जब अभ्यास करेंगे और मोमबत्ती को रखेंगे, जैसे जैसे मोम जलेगी तो मोमबत्ती छोटी होते जाएगी, और यदि आपने इस स्थिति में उसको रखा था अपनी निगाहों के बिल्कुल सीध में, तो 5, 7, 10, 15 मिनट के बाद वो आपका केंद्र नीचे चले जाएगा और आपको गर्दन आगे झुकानी पड़ेगी, क्योंकि मोम पिघलेगी तो मोमबत्ती छोटी होती जाएगी। तो एक तो इस कारण से मोमबत्ती का इस प्रयोग ना करें, दूसरा जब मोम जलेगी तो उससे कुछ लाभ तो मिलेगा नहीं, हानि होने की संभावना हो सकती है, परंतु जब तेल का दिया आप जलाएंगे, दीपक से त्राटक करेंगे तो उसके अंदर तेल डाला जाएगा, तेल तिल का डालेंगे, नारियल का डालेंगे, बादाम का डालेंगे, सरसों का डालेंगे या घी डालेंगे, कोई भी तेल डालेंगे, जब वो जलेगा, जब बाती जलेगी तो तेल जलेगा और वो वातावरण में फैलेगा, और वायु के द्वारा वो आपके नासिका के द्वारा आपके शरीर के अंदर भी जाएगा, और जब सरसों का तेल, बादाम का तेल, घी, नीम का तेल, इस प्रकार के तेल जलेंगे तो वो वातावरण के लिए भी लाभकारी हैं और आपके स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी हैं। तो प्रयास करें मोमबत्ती की जगह दिए का इस्तेमाल करें, ये बात ध्यान रखें। अगली बात, जब दूसरी या तीसरी विधि से अभ्यास करें, अर्थ किसी सफ़ेद बिंदु, किसी सफ़ेद दीवार या कागज़ के ऊपर काला बिंदु लगाकर या किसी अपने पसंद की वस्तु विशेष का त्राटक करें, उस समय पूरा प्रकाश आना चाहिए, मंद रोशनी में या कम रोशनी में, कम प्रकाश में दूसरी और तीसरी विधि से त्राटक ना करें, इससे हानि पहुंचने की संभावना बढ़ सकती है नेत्रों को, उस समय पूरा प्रकाश आना चाहिए। अगली बात, अपने त्राटक को बार बार ना बदलें, जो आपका केंद्र है उसको बार बार ना बदलें, अर्थ आज आप घड़ी का त्राटक कर रहे हैं, कल मेज का त्राटक कर रहे हैं, परसों पंखे का त्राटक कर रहे हैं, इस प्रकार से ना करें, अपने किसी एक केंद्र को निश्चय करें, सोच समझ के अभ्यास आरंभ करें, यदि दिए से आरंभ करें तो उसको दिए को ही लंबे समय तक उसी का अभ्यास करते रहें, सफ़ेद दीवार के ऊपर काला बिंदु लगा के अभ्यास करें, कहने का तात्पर्य अपने लक्ष्य को, अपने केंद्र को बार बार ना बदलें, जब केंद्र बार बार बदलेंगे तो पहले जो अभ्यास किया था उसके अलावा अब आपको दोबारा नए सिरे से पूरा अभ्यास साधना पड़ेगा, तो सोच समझ कर अपना एक लक्ष्य तैयार करें। अगली बात, अभ्यास करते समय जब अभ्यास आपने करना है तब तक पलकें नहीं झपकानी, जब तक आँखों से पानी ना आने लगे या आँखों में दर्द ना होने लगे या फिर बेचैनी, घबराहट का अनुभव ना होने लगे, तब तक अपनी निगाहों को या त्राटक अभ्यास को विश्राम नहीं देना, लगातार देखते रहना है, और जैसे ही आँखों में भारीपन, आँखों में दर्द या पानी आने जैसी स्थिति उत्पन्न हो, तुरंत आँखें बंद कर दें, कुछ लंबे सांस भरते रहें और आँखें बंद करके जिस चीज़ का त्राटक किया जा रहा था उसको बंद आँखों से उसका प्रतिबिंब
मानसिक स्तर पर देखने का प्रयास करें। कुछ लंबे सांस भरने के बाद आंखें खोलें और दोबारा से अभ्यास को आरंभ कर दें। अब कितनी देर तक अभ्यास करना है? शुरुआती स्तर पर 3 से लेकर 5 मिनट तक, शुरुआती कुछ दिन 10 से 15 दिन 3 से 5 मिनट तक अभ्यास करें। उसके कुछ दिन के बाद जब इतना अभ्यास सहज रूप से हो, 10 से 12 मिनट तक अभ्यास किया जा सकता है सामान्य व्यक्ति के लिए। अब यह जो समय सीमा बताई गई है 3 से 5 मिनट या 10 मिनट 12 मिनट तक, जितनी भी देर अभ्यास की सीमा बताई गई है, यह है समय जो बताया है, यह है केवल त्राटक अभ्यास को करने का समय बताया है। इसके बीच में जितनी देर विश्राम करेंगे या जितनी बार विश्राम करेंगे, उस समय को इसके अंदर नहीं जोड़ा गया है। अर्थ, एक बार ही आपने अभ्यास आरंभ किया और 2 मिनट तक आप बिना पलकों को झपकाए रह पाए हैं और फिर उसके बाद 1 मिनट आंख बंद कर दी, तो उस 1 मिनट को यहाँ पे नहीं गिना गया है, केवल 2 मिनट को गिना गया है। 2-2 मिनट करके यदि आप 3 बार अभ्यास करते हैं और 3 बार बीच में रुक रहे हैं, तो यह हो गए आपके कुल 9 मिनट। तो यहाँ पे उन 9 मिनट को ना गिनकर 6 मिनट को गिना गया है, जितनी देर आपने अभ्यास किया है। इस प्रकार से 3 से 5 मिनट अभ्यास करें, कुछ दिन के बाद 10 से 12 मिनट तक अभ्यास को बढ़ाएं। इसके बाद अभ्यास करते समय बिल्कुल भी जोर ना लगाएं, ज़बरदस्ती ना करें, जितना सहज रूप से रुक पाएँ आंखें खोलकर बिना पलके झपकाए उतनी देर तक रुकें। जैसे ही ना रुका जाए तुरंत आंख बंद कर दें, और जब अभ्यास कर रहे हैं तो आंखों को जोर लगा के ना खोलें, सामान्य अवस्था में शांत शिथिल रखें पलकों को, नेत्रों को, मांसपेशियों को और पूरे चेहरे को। अभ्यास के दौरान अपनी निगाहों को अपने लक्ष्य के अलावा इधर उधर या अन्य किसी स्थान पर ना देखें, केवल अपने लक्ष्य के ऊपर, अपने केंद्र के ऊपर ही निगाहों को केंद्रित रखें। नेत्रों से संबंधित कोई गंभीर रोग होने पर, हाल ही में ऑपरेशन करवाया हो उस स्थिति में, मस्तिष्क से संबंधित कोई गंभीर रोग होने पर, मिर्गी के दौरे पड़ने पर या पिट पड़ने पर, इसका अभ्यास चिकित्सक से सलाह लेने के पश्चात ही करें। त्राटक क्रिया के अभ्यास से आत्म जागरण के कई सारे द्वार खुल जाते हैं। इसके अभ्यास से क्रोध, चिंता, तनाव, बहुत अधिक विचार आना, संकल्प शक्ति का कमज़ोर होना, स्मरण शक्ति का कमज़ोर होना, ऐसी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। इसके अभ्यास से चेहरे पर एक विशेष नूर या एक विशेष आभा औरे की प्राप्ति होती है। नैनों में, हमारे नेत्रों में एक प्रचंड ज्वाला, एक तेज की प्राप्ति होती है। यह बहुत ही अद्भुत अभ्यास है। मूल रूप से इसका अभ्यास मन को, ध्यान को केंद्रित करने के लिए, चित्त की वृद्धियों के निरोध हेतु किया जाता है।